नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन में देख रहे हैं, लाइव ये लाइव प्रोसेस चल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल, अदर पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, फोटो सिग्नेचर और लॉक सबमिट। यहाँ बात आ रही है, कमेंट्स आ रही है कि सर टेंथ के मार्क्स कैसे भरें या ट्वेल्थ या ग्रेजुएशन या फिर अदर डिप्लोमा की डिटेल्स कैसे फिल करें। ऑप्शन नॉट शो, ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऑप्शन हट गया है। तो यहाँ आप लाइव देख सकते हैं, वाकई में यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन हट गया है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरने के लिए काफ़ी टाइम लग रहा था और उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि जो डिटेल हम बेसिक डिटेल्स में भरते हैं, जैसे कि टेंथ का बोर्ड हो गया, पासिंग ईयर हो गया और रोल नंबर, वही डिटेल हम न्यू एप्लीकेशन फॉर्म RO ARO या फिर कोई और अन्य न्यू एप्लीकेशन इन UPBSC में कर रहे हैं तो उसमें केवल टेंथ की डिटेल ही OTR के थ्रू ऑथेंटिकेट होकर उस न्यू एप्लीकेशन में ओपन होती है। ठीक है, जैसे कि डेमो के तौर पर हम अभी आपको दिखाएंगे एक स्क्रीनशॉट कि RO ARO में जो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें केवल टेंथ की डिटेल ही OTR से फेच की जा रही है। OTR का मतलब ये है कि जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको न्यू एप्लीकेशन में बार बार फिल ना करना पड़े। ठीक है, इसलिए OTR की व्यवस्था चलाई गई है। तो जो मैंडेटरी है वो यहाँ अवेलेबल है। तो आप यहां देख सकते हैं, ये जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का फॉर्म है और हम आपको अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसका दिखाएंगे आपको। वहां पर जो है टेंथ की डिटेल जो है ऑथेंटिकेट होकर वहां पर शो की है। तो अगला स्टेप आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए हाई स्कूल है और यहां पासिंग ईयर है और ये रोल नंबर है। तो जो समीक्षा अधिकारी RO ARO का फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे तो OTR नंबर से आप ऑथेंटिकेट करेंगे और जब आप इस स्टेप पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर केवल टेंथ में आपको पासिंग ईयर और रोल नंबर ही फीच होकर आता है। अदरवाइज जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है उसके लिए आपको फिल करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर बैचलर डिग्री का ऑप्शन यहाँ दिया गया है तो आप एक्वायर्ड में यस करेंगे। हालांकि यहाँ पर जो NA लिखा हुआ ये कॉलम ऊपर से ही बंद है तो यहाँ कोई मार्क्स वगैरह फिल नहीं कर लें, केवल आपको यहाँ पर यस करना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं RO ARO की विद फुल पेमेंट प्रोसेस साथ सब कुछ उसमें बताया गया है तो प्लेलिस्ट में जाइए, RSGN यूट्यूब चैनल है, वीडियो को सर्च करके वीडियो पूरा वॉच कर लीजिए, समाधान हो जाएगा। तो आप यहां देख सकते हैं पर्सनल, अदर पर्सनल, कम्युनिकेशन डिटेल्स लगभग स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, ग्रीन टिक हो चुका है, फोटो सिग्नेचर भी कंप्लीट हो चुका, तो आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, अब जो टेंथ मार्क्स सर नहीं भर पा रहे हैं या फिर NA का प्रॉब्लम है, क्वालिफिकेशन रिलेटेड इशू है तो उसको भूल जाइए आप। ठीक है, अब अपडेट हो गया है, नया अपडेट हो गया है और आपके सामने है और हम भी लाइव दिखा रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है स्क्रीनशॉट दिखा रहे हूँ, जो दिखाते हैं स्क्रीनशॉट वो बता देते हैं, जो नहीं दिखाते वो नहीं बताते। तो यहाँ हम बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं तो आपको बिल्कुल रियल बता रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखिए फाइनल लॉक पर हमने क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो शो कर रही है और नीचे सिग्नेचर भी शो कर रहा है, सब कुछ शो कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। यदि आपको नहीं कर रहा तो दोबारा लॉग इन करके आप करिएगा, हो जाएगा समाधान। ठीक है, और जो समस्याएं आ रही थी कि सर नंबर नहीं जनरेट हो रहा है, सर सबमिट कर दिया है, तो देखिए आपके सामने सब कुछ लाइव दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ सबमिट करेंगे और उसके बाद हम देखिए गेट OTR नंबर पर क्लिक करके इमीडिएटली उसका OTR नंबर भी जनरेट करेंगे। ठीक है, 24 घंटे का भी इंतजार नहीं करना है, सबमिट करेंगे सीधा गेट OTR से नंबर ले लेंगे, चाहे तो आप पहले ले लीजिए चाहे सबमिट करने के बाद ले लीजिए, तो हम सबमिट के बाद लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो डिटेल्स शो कर रही है, देखिए क्लिक हियर टू प्रिंट योर OTR एप्लीकेशन, इसको प्रिंट कर लीजिए आप। प्रिंट करने पर फोटो नहीं आ रही तो परेशान मत होइए, बट यहाँ दिखाएगी आपको। ठीक है, जब प्रिंट कर रहे नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं, उसे सेव कर लीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए, चेक कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, बट कंप्यूटर पर शो होना चाहिए जैसे यहाँ पर शो हो रही है आपके सामने। ठीक है, चेक करने के बाद यहाँ पर आपको टेंथ डिटेल मिल जाएगी, मार्क्स और NA का प्रॉब्लम छोड़िए, केवल रोल नंबर, पासिंग ईयर और बोर्ड ये सही होना चाहिए आपको। ठीक है, यही डिटेल जो है आपका, मैंने अभी आपको दिखाया RO ARO में, यही डिटेल फेच होगी या फिर और भी कोई एप्लीकेशन वहाँ फेच होगा, एसेंटर क्वालिफिकेशन जो है वो आपको भरने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, जैसे यस करने को आपको मिल गया। अब मार्क्स के लिए अगर NA वहाँ लिखा हुआ ऑप्शन बंद है पहले से तो मार्क्स नहीं फिल करने हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया समीक्षा अधिकारी में। ठीक है, और मार्क्स के लिए ऑप्शन है तो आप फिल कर देंगे, नहीं तो यस तो करना ही करना है आपको। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा समझने का प्रयास करिएगा, समाधान ज़रूर हो जाएगा आपका, पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम फाइनल सबमिट करके OTR नंबर को जनरेट कर ही लेते हैं।
तो फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं फाइनली हमने यहां पर डिक्लेरेशन पर टिक कर दिया है, बिल्कुल लाइव प्रोसेस है और प्लीज कंफर्म का यहां पॉपअप आ चुका है और हम यहां बस ओके बटन पर क्लिक करेंगे और ओके करने के बाद जो ओटीआर फाइनल लॉक हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम जनरेट करेंगे ओटीआर नंबर को। यदि लॉक करने के बाद भी आपको कोई समस्या इसमें हो गई है, कोई फॉल्ट हो गया है, कुछ करेक्शन करना है, तो फाइनल लॉक सबमिट के बाद क्या करना है आपको, करेक्शन यदि कोई समस्या है तो आपको क्या करना है, मॉडिफाई योर डिटेल्स ओटीआर डिटेल्स में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना संशोधन कर सकते हैं। बट साइट का यदि प्रॉब्लम है, कुछ एरर आ रहा है, ट्रैफिक है, तो हो सकता है समथिंग वेंट रॉन्ग की प्रॉब्लम आपको सामना करना पड़े। इसीलिए मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि जब भी आप यदि न्यू यूज़र हैं तो रजिस्ट्रेशन को जो है अच्छे से बेसिक डिटेल को भरिएगा, जिससे कि करेक्शन की नौबत ना आए। जो भी स्टेप आप फिल कर रहे हैं बहुत ही सावधानी से फिल कर रहे हैं, क्योंकि इस समय थोड़ा साइड प्रॉब्लम है तो करेक्शन अपडेट करने में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो प्लीज़ वेरी केयरफुली तरीके से फॉर्म को भरें। तो फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ पर फाइनली ओके बटन पर क्लिक कर ही देते हैं। फाइनली हमने ओके कर दिया, यहाँ देखिए ओटीआर लिखकर प्रोसेस हो रहा है और जब फाइनली लॉक हो जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ नंबर भी गेट इमीडिएटली ओटीआर नंबर भी जनरेट करके दिखाएंगे। जो कैंडिडेट का ये सवाल था कि सर लॉक होने के बाद हमें नंबर कैसे जनरेट करें, नंबर नहीं जनरेट हो पा रहा है, तो वो सब कुछ समस्या का समाधान इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो यहाँ जैसे ही हमने लॉग एंड फाइनल सबमिट किया है और उसके बाद कुछ एरर सा आया मेरे सामने और यहाँ लिख कर आ गया है कि हाई स्कूल की विवरण पहले अंकित करें। ऐसा कोई एरर आपके सामने आ रहा है तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया समाधान है कि आप इस टैब को बंद कर दीजिए, ब्राउजर हिस्ट्री क्लीन करिए, ब्राउजर को बिल्कुल क्लोज कर दीजिए, दोबारा से रीओपन करिए, दोबारा से लॉगिन करेंगे तो जी हाई स्कूल का विवरण पहले अंकित करें। ये जो एरर है, ये जो समस्या है, वो समाधान हो जाएगा और लॉक एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करने पर आपका सीधा पूरी डिटेल आपके सामने ओपन होगी और आपका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद अपना ओटीआर नंबर को जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर जो है ओटीआर लॉक हो चुका है, योर ओटीआर डिटेल्स लॉग्ड एंड फाइनली सबमिटेड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर सब कुछ अच्छे से लॉक्ड हो गया है और जो 10th का मार्क्स भरने की प्रॉब्लम्स थी वो अब मुझे लगता है सॉल्व हो गई होगी, क्योंकि जो डिटेल्स हम बेसिक डिटेल्स में भरते हैं स्टार्टिंग में, पर्सनल बेसिक डिटेल्स जो स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करते हैं हम लोग ईमेल मोबाइल वेरीफाई करके, उसमें जब हम डालते हैं अपनी डिटेल्स को जिसमें पासिंग एयर है, रोल नंबर है, बोर्ड है, यही चीज़ मान्य होगी और लॉगिन करने पर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा एजुकेशन या क्वालिफिकेशंस रिलेटेड और जी एक्सपीरियंस वाला, दो ऑप्शन को यहाँ से हटाया गया है और साइट बिजी होने के कारण, जिससे कि आप ओटीआर आराम से कर सकें और बेहतर कर सकें और कम समय में कर सकें। पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में, तो आप सोच रहे होंगे सर फिर वहाँ कैसे, देखिए जो भी न्यू फॉर्म आप करेंगे ओटीआर से ऑथेंटिकेट होगा और वहाँ पर वही डिटेल फीच होगी जो आपने यहाँ पर भरी है बेसिक डिटेल्स में, ठीक है, और जो भी मैंडेटरी है वो यहाँ ले लिया गया है ओटीआर में, ठीक है, आप इसके लिए टेंशन ना लें। जब भी आप बेसिक डिटेल भरते हैं उसमें सब कुछ आपका डिटेल हो जाता है जो भी मैंडेटरी है, और ओटीआर का मतलब ही यही है कि वहाँ पर बेसिक डिटेल्स हो जाए, जो भी न्यू एप्लीकेशन फॉर्म कर रहे हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए वहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है, तो आप वहाँ पर डिटेल को आराम से फिल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सब कुछ अच्छे से हो गया है, आप देख सकते हैं लाइव प्रोसेस है बिल्कुल आपके सामने, कोई भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं है इस समय जो कि प्रेजेंट में आप देख रहे हैं, ये वीडियो जो बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट है। और अब हम आपको ओटीआर नंबर को जनरेट करने जा रहे हैं और दिखाएंगे ओटीआर नंबर को कैसे जनरेट कर दें फाइनल सबमिट के बाद। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे पर्सनल डिटेल, आधार पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल्स, फोटो एंड सिग्नेचर और लॉक एंड फाइनल सबमिट, सभी पर ग्रीन टिक हो चुका है, जो कि लॉक पर क्रॉस का निशान आ रहा था वो भी यहां से हट गया है, सभी पर जो है ग्रीन टिक लग चुका है। यदि आप लॉक एंड फाइनल सबमिट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाई स्कूल डिटेल पहले अंकित करें फिर विवरण दर्ज करें, ऐसी कोई समस्या आ रही है, एरर आ रहा है रेड में एरर आ रहा होगा, तो आप लॉग आउट करिए, दोबारा से ब्राउजर हिस्ट्री को क्लीन करें और फिर से ओपन करके उसे दोबारा से उसमें डालिए, ओपन करिए, लॉगिन करिए और फिर आप लॉग इन फाइनल सबमिट करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो एरर आ रहा था लॉग इन फाइनल सबमिट करते टाइम वो आपका एरर हट जाएगा और जैसा कि मैंने आपको दिखाया वीडियो में सेम प्रोसेस यही आपके साथ हो जाएगा। तो चलिए अब बारी आ गई है गेट ओटीआर नंबर इमीडिएटली। स्टूडेंट कह रहे सर सबमिट कर दिया, देखिए हमने भी आपके सामने सब कुछ क्लियर किया, कोई भी छिपाया नहीं, कुछ भी नहीं, सबसे सबमिट कर दिया हमने बिल्कुल भी, ठीक है। अब सबमिट के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर वो चेक ओटीआर स्टेटस दिख रहा है
और गेट ओटीआई नंबर इमीडिएटली। सिंपली हम अब यहाँ पर क्लिक करेंगे गेट ओटीआई नंबर इमीडिएटली पर, क्योंकि हमें इमीडिएटली चाहिए और हमें फॉर्म करना है आरओ वाला। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने गेट ओटीआई नंबर इमीडिएटली पर क्लिक कर दिया। देखिए ओटीआई नंबर जनरेशन स्टेप, ईमेल वेरीफाइड है, मोबाइल है, पर्सनल डिटेल अपडेटेड है, फोटो अपलोडेड है, सिग्नेचर अपलोडेड है, सभी पर यस किया हुआ है। अब यहाँ लिखा हुआ है नीचे ग्रीन बटन पर क्लिक टू जनरेट ओटीआई नंबर। सिंपली अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स प्रोसेस हो रहा है ओटीआई नंबर जनरेट के लिए, और जैसे जनरेट होगा वैसे ही आपको दिखाएंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स फाइनली जो है कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पर लिखकर आ चुका है, योर ओटीआई नंबर इज जनरेटेड सक्सेसफुली, काइंडली सेव इट फ्यूचर रेफरेंस। तो आपने यहाँ पूरा प्रोसेस देखा होगा और ओटीआई नंबर भी जनरेट करके आपको दिखा दिया। अब तो आपको बिलीव हो गया होगा कि वीडियो के अंदर कितनी सच्चाई है। तो यहाँ पर ओटीआई नंबर जनरेट हो चुका है फाइनली। अब मुझे क्लोज करना होगा और प्रिंट आउट को मैं जनरेट कर लेता हूँ और उसका सेव कर लूंगा, बाद में निकाल लूंगा। और इस ओटीआई नंबर से हमें जो भी फॉर्म अप्लाई करना है UPSC में, तो वो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे जो RO ARM फॉर्म अप्लाई करना है, इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। RS ज्ञान यूट्यूब चैनल है और वीडियो की अपडेट यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे। जय हिंद, नमस्कार।